वफाकी हुकूमत 10,000 से ज़ायद कैश में लेन देन पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है। इससे ज़ायद रकम की अदायगी डिजिटल तरीके से करने को लाजिम करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को ये सिफारिशात रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन की जानिब से दी गई हैं। कमीशन के मुताबिक जहां कैश में लेन देन अहमियत का हामिल है, वहीं उनमें टैक्स चोरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी काम होते हैं। कमीशन ने तजवीज़ दी है कि रिटेल सतह पर 10,000 रुपए और फूड रेस्टोरेंट्स पर 5,000 रुपए से ज़ायद कैश न वसूल करने की पाबंदी आयद की जाए। पाकिस्तान भर के पेट्रोल स्टेशन में भी डिजिटल अदायगी के तरीकों को अपनाने पर गौर किया जा रहा है। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी ना। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।